नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है न्यूमरोलॉजी के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी इस ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड पर्सन को, कि हम पार्टनरशिप करें या ना करें, और करें तो इस पर्सन के साथ कर सकते हैं क्या, मेरे चाचा के साथ कर सकते हैं क्या, मेरे भाई के साथ कर सकते हैं क्या, मेरे वाइफ के साथ कर सकते हैं क्या, और भी कई लोगों के साथ ये क्वेश्चन ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में जितनी मैंने इनिशियल डेज में जब मैं ये न्यूमरोलॉजी सीख रहा था और रिसर्च की थी, तो मैंने बहुत सारी कंपनीज और उनके को फाउंडर देखे थे। इवन जो लोग मेरे कोर्स में एनरोल हुए हैं उन सबको ये पता है कि ये मैं उनको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, और कई सारी कंपनीज का और कई सारी सक्सेसफुल पार्टनरशिप का रिसर्च करने लगाता हूँ कि उनके पार्टनर्स की बर्थडे देखिए और उसमें टैली करिए, तो आपको एक बहुत बड़ी थ्योरी मिल जाएगी कि कैसे मेजॉरिटी ऑफ जगह पे अगर मूलांक भाग्यांक का मैच है तो आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है वो वेंचर या वो पार्टनरशिप। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। मेरे जो लेक्चर्स है इसमें तो मेरे स्टूडेंट्स ने तो कई सारी कंपनीज के एग्जांपल्स निकाले हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक उदाहरण लूँगा, जिसमें कि एक सबसे पहले और सबसे बड़ा उदाहरण मैं लूँगा गूगल इस कंपनी का। जैसे गूगल, हम कोई भी चीज़ सर्च इंजन में, अगर आज सबसे सक्सेसफुल सर्च इंजन है उसी चीज़ में सबसे पहले हम ढूंढते हैं गूगल पे, तो बर्थ डेट भी अगर आप ढूंढोगे तो गूगल पे ही ढूंढोगे, तो चलो गूगल से ही शुरुआत करते हैं। तो गूगल के जो को फाउंडर है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, अगर हम इन दोनों के बर्थडेट की बात करें तो इनका जो मूल भाग्यांक है दोनों पर्सन का वो सेम है। तो अगर हम लैरी पेज की बात करें तो इनका जो बर्थडेट है वो है 26 मार्च 1973, और इनके जो को फाउंडर है जो है सर्जी ब्रिन, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1973। तो अगर हम इसमें देखें तो इनके दोनों के मूलांक और भाग्यांक का टोटल जो आता है वो मूलांक का नहीं भाग्यांक का जो टोटल आता है वो होता है 4। अब मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं ये आपने हमारे पुराने वीडियोस में ज़रूर देखा होगा। मूलांक मतलब सिर्फ तारीख का टोटल होता है, जो भी आपकी बर्थ डेट है, जैसे अब यहाँ पे 26 हो गया तो 2 और 6 8 मूलांक हो गया, और अगर उनका पूरा टोटल यानी जो डेट मंथ प्लस ईयर प्लस डेट ये सब मिला के जो ग्रैंड टोटल आएगा, फिर हम उस 2 डिजिट को फिर से टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा भाग्यांक। तो जैसे मैंने कहा कि लैरी पेज जो कि 26 मार्च 1973 बॉर्न है, तो अगर आप पूरा टोटल करेंगे 2 और 6 8 8 और 3 11 11 और 1 12 12 और 9 21 21 और 7 होगा 28 28 और 3 होगा 31, तो 3 और 1 को फिर टोटल करना होगा जो कि हो गया भाग्यांक 4। अब ठीक इसी तरीके से हमारे जो इनके को फाउंडर है सर्जी ब्रिन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 1983, अगर आप इनका टोटल करोगे तो 2 और 1 हुआ 3, 3 और 8 हुआ 11, 11 और 1900 के जो 1 हुआ वो 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 7 हो गया 28, 28 और 3 हो गया फिर से 31, यानी 3 और 1 4, मतलब उन दोनों का भाग्यांक 4 हुआ। इसीलिए ये लोगों की पार्टनरशिप 2 में से 1 नंबर इनका मैच हो गया। तो होता क्या है कि जब 2 में से 1 नंबर मैच होता है, या तो मूलांक मूलांक, या तो भाग्यांक भाग्यांक, या तो मूलांक भाग्यांक क्रॉस में भी हुआ तो भी, जो हमारे शादी वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे ये मैचिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो होता क्या है कि जब आपके नंबर्स मैच हो जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और वो फ्रीक्वेंसी आपके थिंकिंग और आपके डिसीजन मेकिंग और आपके जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है ये सारे सिमिलर चलती है, और इसीलिए वो दोनों की पार्टनरशिप आगे फल फूलती है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आपके मिसमैच रहेंगे पॉइंट ऑफ व्यूज, तो क्या होगा कि एक जगह पे एक पार्टनर बोलेगा मुझे यहाँ रिस्क लेना है, और दूसरा पार्टनर बोलेगा नहीं मुझे यहाँ ज़्यादा रिस्क लग रहा है, यहाँ नहीं लेते। फिर जब दूसरा पार्टनर बोलेगा मुझे लगता है कि यहाँ रिस्क लेना चाहिए, तो पहला पार्टनर बोलेगा मुझे इसमें रिवॉर्ड ही नहीं दिख रहा है। सो इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन जब आप सेम फ्रिक्वेंसी पर आते हो तो आपके सिमिलर पैटर्न हो जाते हैं, थिंकिंग पैटर्न, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सोचने के तरीके, और बहुत भी और भी सारी 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 चीज़ें, तो इस वजह से आप लोग आगे बढ़ते हो और आपकी पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो जाती है। अब ये चलिए गूगल का हम बोल सकते हैं कि चलो ये कोइंसिडेंस है, ठीक है, लेकिन और ऐसी और भी कंपनीज है। अगर हम उदाहरण के तौर पे ले लें तो नाइकी एक ब्रांड है जो कि बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों के कंपनी है, स्पोर्ट्स शूज़ और कपड़े बनाती है। उनके जो दोनों को फाउंडर है, अगर हम उनकी बात करें, अगर हम उनके को फाउंडर देखें तो उनके जो को फाउंडर है जैसे फिलिप नाइट, जिनका मूलांक 6 है, और अगर हम बिल बोवरमैन जो उनके को फाउंडर है उनका जो भाग्यांक 6 है, अब मूलांक और भाग्यांक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मूलांक मतलब तारीख, उनका फर्स्ट डेट का टोटल 6 है, और अगर हम उनके को फाउंडर है जो बिल है उनका जो पूरा भाग्य पूरा डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का टोटल करते हैं तो वो 6 आएगा। तो यहाँ पे एक पार्टनर का मूलांक और दूसरे पार्टनर का भाग्यांक 6 है, तो ये सिमिलर है।
तो इसलिए इन दोनों में एक फ्रिक्वेंसी मैच हो गई है, जिसके वजह से इनकी वाइब्रेशंस मैच हो जाएगी और इस वजह से ये पार्टनरशिप या इनका जो भी वेंचर है वो सक्सेसफुल हो सकता है या आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसे और भी कई उदाहरण है। अगर हम उदाहरण देखें तो इंटेल नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो इंटेल के जो फाउंडर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इंटेल के जो फाउंडर है गॉर्डन मूरे, जिनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 7 है, और लकीली जो उनके दूसरे को फाउंडर है रॉबर्ट नॉइसी, उनका भी मूलांक 3 और भाग्यांक 7 है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा उनके बर्थ डेट। तो अगर हम इनका भी देखें तो इनका तो मूलांक और भाग्यांक दोनों मैच है। अब ये हो गई बात इंटेल की। तो इंटेल के जैसे हमने देखा कि दोनों पार्टनर का नंबर मतलब मूलांक भाग्यांक मैच हो रहा है। अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर है, जो है बिल गेट्स और पॉल एलन, अगर हम उनके मूलांक भाग्यांक भी देखते हैं, अगर आप उनका बर्थ डेट का टोटल करोगे बिल गेट्स और उनके पॉल एलन का, तो दोनों का भाग्यांक 4 है। मतलब यहाँ भी सिमिलैरिटी है। तो ये जो सिमिलैरिटी है ये उनके वेंचर को सक्सेसफुल रखने के लिए काफ़ी काम में आई और आगे चीज़ें बढ़ती चली गई। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो शुरू ओला करके एक कंपनी शुरू हुई थी, जिसके को फाउंडर थे भावीश अग्रवाल और अंकित भाटी, अगर हम इन दोनों के भी नंबर्स देखें तो आपको इसमें भी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। तो इन दोनों के जो मूलांक है, इन दोनों के जो मूलांक है वो सिमिलर है, इन दोनों का मूलांक 1 है, और वो चीज़ इन लोगों के बिजनेस को आगे ले जाने में कारगर साबित हुई। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी चीज़ें पार्टनर्स के बर्थ डेट पर डिपेंड करती है, और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है या कंपनी का जो काम है वो आपको सूटेबल है कि नहीं। लेकिन ये पार्टनरशिप अगर करना है तो ये आपको सिंपल बेसिक रूल काम में आ सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर नंबर के लिए लागू होता है, इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स है जो आप अगर किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है जो अगर सेम पैटर्न सेम फ्रिक्वेंसी, जैसे वो सिंपल है कि 3 नंबर का ताला 3 नंबर की चाबी से ही खुलेगा, वैसे ही हमारे लाइफ में भी हमारी फ्रिक्वेंसीज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करती है। तो अगर आपके ये कुछ चीज़ें, जैसे हमने पिछले बार एक वीडियो बनाया था बिजनेस पे, कि जिसमें अगर आपका प्रॉपर्टी नंबर फेवरेबल हो, आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ फेवरेबल हो और आपका बिजनेस का नाम फेवरेबल हो, तो आपको बिजनेस में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिमिलर यही चीज़ मैं आज फिर से बोलूँगा कि उस विषय पे हमने बात की थी कि कोई और विषय पे, ओवरऑल बिजनेस के बारे में, आज मैं बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप के बारे में। तो अगर आप इन 2-3 चीज़ों को अगर आप रेक्टिफाई कर लेते हो, किसी अगर आप शुरुआती तौर पे हो, अगर आपका ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई अगर सब अच्छा चल रहा है तो कोई धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ये 2-3 चीज़ें करेक्ट करके अगर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और पार्टनर अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनर वो प्रॉपर्टी का नंबर और आपके बिजनेस का नाम अगर आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से चूज़ करके ले लेते हैं तो शायद आपका बिजनेस भी एक्सेल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुँचे, ये कम हो लेकिन आपका इनकम सोर्स चालू हो और आपकी ज़िंदगी सुकून से जी सके, इतना तो भी बिजनेस हो। ऐसा ना हो कि बिजनेस बंद करने की ज़रूरत पड़े। और ये छोटे से ट्विक्स है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चीज़ें आपको करना है, बहुत दिनों तक आपको पूजा करनी है, आपको ये करना है वो करना है, बस आपको चूज़ करते हुए राइट पर्सन राइट प्लेस और राइट नाम चूज़ करना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अब समझ में आई होगी। मैं फिर एक बार कहूँगा, लेकिन ये एक जनरल आउटलाइन है, इसमें और भी फैक्टर्स हैं। तो अगर आपको मैं ऐसा भी नहीं कहता, मुझसे कंसल्ट करिए, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई, और इन वीडियो का आपकी ज़िंदगी में अगर किसी एक बिजनेस को भी ग्रो करने में हमारे इस वीडियो का फ़ायदा हुआ तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत सार्थक हुई है। सो अगले किसी वीडियो में और कोई लाइफ हैक के साथ और कोई न्यूमरोलॉजी हैक के साथ हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी। धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।